करोड़पति बॉस को ब्लैकमेल करने के लिए युवती ने जॉब छोड़ी। बॉयफ्रेंड ने धमकाया, एक क्लिक तेरी जिंदगी खत्म कर देगी। 26 लाख ठग चुके थे। अक्टूबर 2021 में जॉब छोड़ने के बाद राहुल के साथ बैठकर प्रियंका ने ब्लैकमेलिंग से जुड़ी मूवी और वेब सीरीज देखना शुरू किया। इसके बाद दोनों ने प्लान बनाया। प्लानिंग के तहत ही लेटर भेजने और रुपए मंगवाने का भी सिस्टम रखा गया। बदनाम करने की धमकी देने के साथ ही बिजनेसमैन को गैंग में कई सदस्य होने के बारे में भी बताया गया। जयपुर के बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने के मामले में पूरी प्लानिंग के साथ साजिश रची गई। ब्लैकमेलिंग के लिए अकाउंटेंट गर्लफ्रेंड ने अपनी जॉब भी छोड़ दी। युवती बिजनेसमैन की कंपनी में ही जॉब करती थी। उसी ने सीए कर रहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ठगी का प्लान बनाया था। युवती के बॉयफ्रेंड ने बिजनेसमैन को धमकी दी, मेरे मोबाइल का एक क्लिक तेरी जिंदगी खत्म कर देगा, तेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर बदनाम कर कंपनी तक बंद करवा देगा। डीसीपी वंदिता राणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राहुल बोहरा और उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका ने ब्लैकमेलिंग के लिए कई मूवी और वेब सीरीज देखकर प्लान बनाया था। करीब 2 साल पहले तक पीड़ित कारोबारी की कंपनी में प्रियंका काम करती थी। राहुल से मुलाकात होने के बाद प्रियंका ने अपने ही बॉस की पर्सनल और ऑफिशियल जानकारी शेयर करने लगी। प्रियंका राहुल ने बिजनेसमैन दीपक महेश्वरी को बदनाम कर रुपए ऐंठने की साजिश रची। प्रियंका ने राहुल का साथ देते हुए कहा, इस तरह मुझे भी नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी, बिना नौकरी के ही अपने पास काफी पैसे आ जाएंगे।